कोरोना संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेट किए गए मरीजों के समुचित इलाज के लिए बनाए गए रैपिड रिस्पांस टीम की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने होम आइसोलेट मरीजों की स्थिति और उनकी समस्याओं की जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर पीएससी और सीएससी के चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जिसे संबंधित केंद्रों के अधिकारियों के साथ होम आइसोलेट किए गए मरीजों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप के माध्यम से उन मरीजों की निगरानी की जा रही है, उसका फीडबैक सीडीओ द्वारा लिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने सभी आईएमएसओ तथा आरआरटी को निर्देश दिया कि होम आइसोलेट किए गए कोरोना संक्रमितों की स्थिति के संबंध में जानकारी लेते रहें और उन्हें उचित सलाह और उपचार की व्यवस्था करें, जिससे उन्हें लेवल 3 के अस्पताल में ना पहुंचना पड़े। सीडीओ ने कहा कि अगर आरआरटी अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करे तो कोरोना पर प्रभावी लगाम लगाया जा सकता है। बैठक में सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नंद कुमार सहित संबंधित चिकित्सक और रैपिड रिस्पांस टीम के सदस्य मौजूद रहे। ड्राइवर क्या करने ये सर, हम लोगों ने कुछ तो गाड़ियाँ डीएम सर ने दी है, किसी के हम टेंडर करते हैं वाहन। अच्छा, तो एक व्यक्ति होता है वही हमें गाड़ी सप्लाई करता है, उसी के ड्राइवर कल जो पॉजिटिव आए थे, बाकी जो 12 आपने किए होंगे, ये परसों या नर्सों या उससे पहले के पॉजिटिव होंगे? हमारा मिला लिस्ट नहीं, मिला हैं लिस्ट नहीं मिला। तो क्या देख रहे थे आप, कहां से कैसे गए, किसके घर? जब लिस्ट नहीं, लिस्ट जो जो वहां मिला था, जैसे जौहरी सर जो रखते हैं लिस्ट, उस लिस्ट का मैडम जो जो बता। अच्छा, आपके पास वो वाली लिस्ट दिए नहीं? जी। तो फिर आप लेके कैसे गए, क्या लेके गए? यार इनको लिस्ट क्यों नहीं मिला? ठीक है, किसी का नहीं लगता। तो आपने 17 लोगों को देखा? थर्मामीटर है तो सब, जैसे कोई कहता नहीं है तो कहते कि खरीद लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है ये, आपका इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन है और इसमें लिखा है ऐसे आपको खाना है। घर में कितने लोग और हैं उनका भी इसमें है, और कोई और को सिम्टम तो नहीं है? तुम्हें क्या क्या सिम्टम है, ये सारी चीजें बात करना है, एक वार्तालाप करना है। रट सा जाएगा, अगर हर एक से वही सवाल पूछे जाने तो रट जाएगा। ये कर रहे अकेले गए थे आप? दो लोग केवल टीम में, हम हैं और आप देखे थे उसे? पता के लौट आएंगे और 5 बजे रिपोर्ट भी बना देंगे। और ड्राइवर नहीं पहुंच रहा है तो फिर इसको 10 बजे का करिए। हमें आपकी बातें ही सारा रिफ्लेक्शन दे रही है कि हम लोग के जो आरआरटी का रिस्पांस क्यों ऐसा। अब देखिए,
सबसे लेट हम लोग निकल रहे हैं, 2 बजे का टाइम आप लोगों ने बताया, जो भी कारण था वो ड्राइवर नहीं आया, कैसे नहीं आया। दूसरा, हमें कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है कि आपको क्लैरिटी नहीं है किसको जाके मिलना है, क्लियर नहीं है। और MOIC का कहीं तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, RMT से कहीं बहुत कम है, ये चीजें इम्पैक्ट डाल रही है। और उसमें से कुछ आप में से मुझे आयुष के डॉक्टर दिख रहे हैं जो कन्विंस नहीं कर पा रहे कि करना क्या बन रहा है। तीसरा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप उनसे बात करने में भी डर रहे हो। अपनी नॉलेज से कि कोरोना है क्या, कोरोना से बचना कैसे है, कोरोना हो गया तो किस दवाई से लोग ठीक हो रहे हैं। आइवरमेक्टिन से 90% तक के लोग ठीक हो जाए। आप एक चीज समझ लीजिए, आपकी ये मेहनत से हमारा एलडी पे जो भार बढ़ रहा है वो कम हो जाए। आपकी मेहनत से BRD पे या मेरे जो भी एलडी फैसिलिटीज है जहां बेड की जो मारामारी है वो कम हो जाएगी। हर मीटिंग में आता है कि जो पेरिफेरी में काम हो रहा है उसमें अगर RRT मजबूत हो जाएगी, जिन जिन जिलों ने इसको कंट्रोल किया है वहां RRT ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहला है MOIC में जो यहाँ हो रहा है, दूसरा है RRT। और याद रखिए कि शाम को हम लोग आपसे पूछेंगे कितने लोग हैं जिनकी कंडीशन खराब हो सकती है, ये डेली होगा। आपके दोनों नोडल्स को मैं यहाँ बुलाया करूंगा, मेरे बेंच के सामने बैठ के बताएंगे कि RRT के साथ मिला, ये क्लियर है। इस तरह से एक एक MOIC से टच में आ जाएगी किसने क्या क्या किया। और ये बना दिया गया, नोडल ऑफिसर संजय भूषणी सर ने बोल दिया तभी आज मीटिंग हो रही है, वो भी रेंडमली फोन कर रहा है या करवा रहे हैं अपनी टीम से। तो देन ही सेड कि आप आज मीटिंग करिए, मुझे सिर्फ फीडबैक दीजिए क्या क्या है RRT। मैंने CMO साहब से सुबह बात की, तो हमने प्लान स्ट्रेटजी जो है जो नेक्स्ट फेज में हम कर रहे हैं जो वर्क वही है। अभी कुलदीप बताएगा कि एक मॉनिटरिंग RRT की हमारे कंट्रोल रूम से भी होगी, एक मॉनिटरिंग वहां से भी होगी। तो आप लोग जितने भी आयुष के डॉक्टर हैं या जिन्होंने अब RRT ज्वाइन किया है वो एक तो जियो पढ़ ले सब लोग ढंग से कि RRT का रोल क्या है, आपको करना क्या वहां जाके, क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं बताया। जितनी भी RRT खड़ी थी कि हम गए वहां पे, हमने देखा कि इतने लोग कोमॉर्बिड हैं। सर मैंने 4 लोगों को एडमिट कराया पिछले 10 दिन में जिनकी हालत खराब हो सकती थी, कोई ये बताया नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका,